आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वीरवार यानी कि बृहस्पति वार के दिन सुनी जाने वाली बृहस्पति देव की कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से अधूरे पड़े कार्य पूरे होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन आदि किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। वह द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षार्थी को कुछ भी दान में नहीं देती थी, सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक बार उसके द्वार पर एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन आए और भिक्षा की याचना करने लगे। उस समय वह घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, हे महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, आप फिर किसी दिन आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ उसके द्वार से लौट गए। कुछ दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन फिर से वही साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय अपने बेटे को खिला रही थी। वह कहने लगी, हे महाराज, मैं क्या करूं? मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा। इस पर साधु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना, सिर सहित स्नान करना और घर वालों से कहना कि वह हजामत करवाएं। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने मत रखना। बृहस्पतिवार के दिन न तो पीले वस्त्र पहनना, ना पीली वस्तु खाना और ना ही दान में देना। सायंकाल को अंधेरा होने पर दीपक जलाना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे पास समय ही समय होगा। साहूकारनी ने साधु महात्मा के कहे अनुसार वैसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में खाने तक को अन्न का दाना ना रहा। थोड़े ही दिनों में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, हे महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दूं? तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी।
ऐसा कहकर वह रोने लगी। तब साधु महात्मा ने उस पर दया दिखाते हुए कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करना, केले के वृक्ष की पूजा करना, गुड़ चने की दाल चढ़ाना, पीला भोजन करना, पीली वस्तु का दान करना, घर को गोबर से लीपना, घर के पुरुषों से कहना वह हजामत ना करवाएं, ठीक सायंकाल को घर में दिया बाती करना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर वह साधु महात्मा चले गए। साहूकारनी ने उनके कहने के अनुसार वैसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।